हेलो एवरीवन, मेरा नाम साईनाथ कदम है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एमएसटी सीईटी के लिए लास्ट 30 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, आपको कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने किया गया, जो भी आपके 30 डेज है उस चीज को मैंने डिवाइड किया 10+20 में। पहले 10 डेज में कुछ चीजें हम करेंगे, उसके बाद हम 20 डेज में कुछ चीजें करेंगे। तो 10 डेज के अंदर पहले 3 डेज, बाद में 5 डेज और बाद में 2 डेज के अंदर आपको किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले 3 डेज में आपको क्या करना है, 3 डेज में आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला करना है। जो भी आपको यहाँ पे आपको बुक के अंदर जो भी आपको फॉर्मूला मिलते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है, उस चीज के अंदर सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अब आपको क्या करना है, जो भी आपको नेमिंग रिएक्शन, आपके जो भी आपके नेमिंग रिएक्शन है उस चीज को आपको बुक से लिखने हैं। आपको कोई भी आपको चीजें, मतलब आपको मिस नहीं करना, जो भी आपको नेमिंग रिएक्शन दिखते हैं आपको बुक को, वहां से आपको उस चीज को लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिक्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका समय बचा देता है। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के ट्रिक्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां जाके देखना आपका, वहां पे आपको सारे ट्रिक्स आपको लिखने हैं और आपको क्या करना है, उस चीज को याद करने की कोशिश करना है। उसके बाद बात करेंगे, आपको अभी याद नहीं करना है, चीजों को लिखना है। पहले 3 डेज में आपको सारी चीजें लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रिमेंबर करने के लिए आपको ट्रिक्स दिए जाते हैं, चीजों को समझ रहे हो, आपको जो भी आपका सल्फर के लिए होता है, किसी फैक्ट के लिए होता है, बहुत चीजें होती है यहाँ पे याद करने वाले। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर देखना है, उस चीज को आपको उतार लेना है। आपको अगर ढूंढोगे थोड़ा सा चीजें मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज की मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाके आपको चेक करना है। उसके बाद आपको बात करूंगा आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट राउंड में आप जो भी नोट्स बना पाते हो, मतलब चीजों को आप जब हल्का हल्का जब चीजों को देखोगे तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपके नोट्स बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डीपली चीजें करनी है, आपको हल्का फुल्का चीजों को कर लेना है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके और आपको ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ चीजें मैंने अभी तक कुछ चीजें पढ़ी है, ऐसा आपको फील होने के लिए 3 डेज में आपके सब चीजें करनी है। उसके बाद आपके क्या होना चाहिए, आपका 5 डेज की प्लानिंग में आपको क्या करना है, आपके डे को आपको 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। मैंने यहां पे आपको टाइम नहीं दिया, लेकिन यहां पे आपको 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, चीजों को समझ रहे हो, तो यहाँ पे 3 आवर 3 आवर 3 आवर यहाँ चीजें पढ़ सकते हो। आपको कब पढ़ना है डिपेंड अपॉन आप पर है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देर रात तक सोते हैं, तो डिपेंड अपॉन आप पर। किसी को देख के या फिर किसी चीज को फॉलो मत करो, आपके खुद के रूल्स आप खुद बनाओ, आपकी स्ट्रैटेजी खुद होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे मैंने एक रेफर के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे कर सकते हो आपके लिए बेहतर से बेहतर आपका स्कोर आने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 डेज में आपको सबसे पहले फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अगले डे में आपको क्या करना है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगले डे में वापस क्या करना है आपको, केमिस्ट्री, आपको फिजिक्स, आपको अल्टरनेट करते हुए आपको 5 डे सब चीजें करनी है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन इन द सेंस क्या होता है, जो चैप्टर आपने पहले से ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ के रखी है और आप थोड़ा सा हल्का सा आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी चीजें भूल गया हूं, वो चीजें याद नहीं है, कंसेप्ट याद नहीं, अब ऐसा बिल्कुल मत करो, जो चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसके पीछे लग जाना। आपको 12th के चैप्टर पर जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है उस चीज को आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, अगर मान लो आपके पास अगर कोई चैप्टर रहा जिसके अंदर थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहे, तो उस चीज को आपको रीड करना है, तो आपका हल्का हल्का सा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर चीजों को समझ रहे हो, और जो चैप्टर के अंदर कोई कंसेप्ट लगते हैं, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ, कुछ फिजिक्स का पोर्शन रहा, मैथमेटिक्स का, तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको यूट्यूब पर डालना है, तो आपको 1 आवर के, मतलब 1-1 घंटे के आपको क्विक रिविजन आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत से, मतलब ऐसा अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको 1 आवर में आपको चीजें हो सकती है। अगर आप 5 दिन आप ये सब चीजें अगर करोगे तो मतलब आपके 15 चैप्टर आपके लगभग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मान लो फिजिक्स का पहले स्लॉट में, मॉर्निंग के पहले स्लॉट में अगर 3 घंटे में अगर आप फिजिक्स करोगे, चीजों को समझ रहे हो, मतलब मान लो मॉर्निंग में आप उठ गए 9 बजे बैठ गए, 9 से लेकर 12 बजे तक आपने फिजिक्स किया, तो ये 3 घंटे के अंदर 3 चैप्टर हो सकते हैं। ऐसा आप कब तक करने वाले हो, आप 5 दिन करने वाले हो, तो मतलब आपके 15 चैप्टर के आसपास चीजें हो सकती है, और 1-2 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको या आपने पहले आपने नहीं किया, उसके अंदर ऐसे भी कुछ चैप्टर हो सकते हैं जिसके अंदर आपने सही तरीके से आपका कमांड वो चैप्टर आपको आता होगा, तो ऐसे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीजें अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया है ताकि आपका स्कोर सही तरीके से हो सके। तो
आपको 5 दिन ये सब चीजें करनी है, आपको रिविजन करना है सही तरीके से। कुछ बार होता है कुछ चीजें आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, कुछ चीजें आप यूट्यूब से पढ़ो, कुछ चीजें आपको फैक्ट देखो आप, तो आपको सही तरीके से आपको 5 दिन मैंने दिया है यहाँ पे आपको रिविजन करने के लिए सही तरीके से। उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे आपको 2 डेज मतलब आपको हमने 2 डेज यहाँ पे प्रोवाइड की। ये होने के बाद आपको ये यहाँ पे क्या करना है आपको चैप्टर वाइज आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली आपको क्या करना है केमिस्ट्री के जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन होते हैं जो चीजें आपको याद करने वाली होती है ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद करना है ताकि आपका सही तरीके से चीजें हो सके। और जो भी चीजें आप याद कर रहे हो आपको क्या करना है एक नोटबुक पर आपको इस चीज को हल्के हल्के पॉइंट में बड़ा लंबा चौड़ा नहीं हल्के पॉइंट में चीजों को इसका इससे कनेक्टेड मान लो फॉर एग्जांपल ये नेमिंग रिएक्शन में ये रीजन यूज किया जाता है ऐसे आपको चीजें याद करनी है इस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में यहाँ पे एफ ब्लॉक में ऐसा था तो इस चीजों का ऐसे हो सकता है तो आपको वह सब चीजें आपको लिखनी है आपको 2 डेज में जो भी आपको करना है इस तरह से चीजें करना है। उसके बाद आपको और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको क्या करना है हमेशा डेली आपको 2 आवर देना है। आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो 1 आवर मॉर्निंग में निकाल सकते हो या फिर 1 आवर बाद में आप इवनिंग मतलब आप इवनिंग इन द सेंस आप सोने से पहले 1 घंटा और मॉर्निंग में स्टडी टेबल बैठने से पहले 1 घंटा आप चीजें निकाल सकते हो। तो वहां पे क्या करना है आपको रिवीजन में हमेशा आपका फॉर्मूला नेमिंग रिएक्शन और अपने जो पॉइंट्स निकाले हैं जब चीजें पढ़ते हो ना तो पॉइंट्स निकालते हैं ना की पॉइंट्स उस चीज को आपको रिवाइज करना है समझ लो चीजों को। तो आपको इस चीजों करना है सिस्टमैटिक तरीके से करना है। उसके बाद आपको सब चीजें होने के बाद आपको लास्ट बाद में फिर 20 डेज में आपकी क्या होनी चाहिए क्योंकि अभी तो आपने यहाँ पे सारी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पे ये नहीं कि बहुत मतलब अच्छे तरीके से आपने क्या किया हल्का सा चीजों को रिवाइज किया है अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट कहाँ करना है अब इस 20 डेज में हमें इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट किस तरह से होगी सबसे पहले आपको क्या करना है मॉक पेपर अभी मॉक पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मॉक पेपर आपको शुरू करना है और पहले मॉक पेपर आपको पास्ट ईयर पहले 5 पेपर जो देने हैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देने उसके बाद के आपको चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको और आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए 1.5 आवर और फिजिक्स के लिए 1.5 आवर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के अंदर आपको 1.5 आवर मतलब यहाँ पे 90 मिनट्स और यहाँ पे आपको 90 मिनट्स आपको देने और टाइम लगा के आपको मॉक पेपर सॉल्व करने कौन से पास्ट ईयर सबसे पहले आपको कोई भी आप रैंडमली उठा ले सकते हो बहुत पुराने नहीं लेकिन जो भी लेटेस्ट में चैप्टर्स आपको जो पेपर्स हुए उस चीज़ को उठाओ लास्ट ईयर के उठाओ चीज़ों को समझ रहे और उस चीज़ को आपको क्या करना है 5 क्वेश्चन पेपर को उठाना है और डेली मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है मॉर्निंग या फिर इवनिंग जो भी आपका सॉरी आपको जो आफ्टरनून मॉर्निंग में आप पेपर सॉल्व कर सकते हो या फिर आप आफ्टरनून में भी आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ आपके आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लो अगर मॉर्निंग आप चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हो है ना क्वेश्चन पेपर आपका कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो मॉर्निंग में जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको 3 आवर क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है क्वेश्चन पेपर और 3 आवर उससे पहले चीजों को समझ रहे हो क्या आपको क्वेश्चन पेपर का 3 आवर और उससे पहले 3 आवर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 6 घंटे की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए चीजों को एग्जाम से ओरिएंट रहने के लिए। ऐसा क्यों क्योंकि जब आप एग्जाम जब देते हो जिस दिन एग्जाम आपकी होती है तो 3 घंटा जो होती है आपकी एग्जाम और उससे पहले हम 3 घंटा निकलते हैं क्योंकि सेंटर पर आपको 1.5 घंटा पहले बुलाया दिया जाता है और घर से हम कम से कम 45 मिनट्स 1 घंटा पहले हम घर से निकलते हैं चीज़ों को समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं लगभग हम एग्जाम का 3 घंटे और उससे पहले 3 घंटे मतलब 6 घंटे हम एग्जाम का दिन हम ट्रैवल करते हैं सारी चीज़ें हम प्रोसेस में रहते हैं तो 3 घंटा आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ के अंदर वर्कआउट करो चीज़ों को समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है मॉर्निंग में 3 घंटा आपको एग्जाम मान लो अगर आप 9 बजे यहाँ एग्जाम आपकी होने वाले 9 से 12 आप देने वाले हो तो आपको क्या करना है 6 बजे आपको टेबल पर बैठ जाना है। अब बैठ के क्या करना है आपको सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम से पहले आपके अगर मॉर्निंग की रहा तो ये टाइमिंग अगर आपका आफ्टरनून का रहा तो हो सकता है आप उससे पहले 3 घंटा चीज़ों को समझ उससे पहले क्या करना है आपको फॉर्मूला यहाँ पे आपको एग्जाम से पहले आपको 1.5 घंटा आपको फॉर्मूला करना है हर मॉक पेपर के पहले सबसे पहले आपको मॉक यहाँ 1.5 घंटा आपको फॉर्मूला के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके तीनों फॉर्मूले आपके आने चाहिए पहले 1.5 घंटे में। उसके बाद आपका 45 मिनट्स में यहाँ पे आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों के आपके कंसेप्ट आपको याद करने हैं चीज़ों को समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा रिवीजन जो चीज़ें यहाँ पे आपने पॉइंट्स निकाले उस चीज़ को रिवीजन क्योंकि मैंने क्या किया है पहला पास्ट पेपर जब करोगे तब उसके बाद आपके कुछ पॉइंट्स निकलेंगे आगे बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको फिजिक्स के लिए 30 मिनट्स दिए
चीजों को समझ रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो आपका जो की पॉइंट्स मतलब आपके फिजिक्स के जो आपके पॉइंट्स होते हैं उस चीज को आपको यहाँ 30 मिनट, उसके बाद आपका 15 मिनट्स आपके जो मैथ्स के मैंने ट्रिक्स आपको दिए उस चीज को आपको रिवाइज करना है। आपको डेली एग्जाम से पहले 3 घंटा रिवाइज करना है और बाद में आपको एग्जाम के अंदर जाना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बहुत सही तरीके से आपका बिल्डअप हो सके। चीजों को समझ लिए, आपने चीजों को पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर होगा, मतलब ये तीन घंटे 6 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद आपको रिलैक्स करना, थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा सा आपको फ्रेश होना है, उसके बाद आपको वापस एग्जाम पढ़ाई के लिए बैठ जाना है आपको, और वहां पे आपको 5 आवर की आपको बाद में आपको स्टडी करनी है। आप 5 आवर में क्या करना है, सबसे पहले आवर में आपको क्या करना है, पेपर एनालाइज, आपको पेपर को एनालाइज करना है कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स आए, कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आए, कहाँ आपने सिली मिस्टेक किया, आपके मार्क्स कितने आए, चीज़ों को आपको देखना है। और जो भी आपने पॉइंट मिस किया, मान लो फॉर एग्जांपल किसी कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया, वो फॉर्मूला आपको नोटबुक पर लिख के लिखना कि ये फॉर्मूला मुझे नहीं आया था। जो भी चीज़ें आप मिस करोगे, आप जो चीज़ें आपको नहीं आई उस चीज़ को राउंड में, और नोटबुक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों की नोटबुक अलग बनाओ, और उसके पीछे आप सारी चीज़ें आपको लिखते रहो कि आपको यहाँ पे वेक्टर में ये नहीं आया, 3D में नहीं आया, कौन सेक्शन में ये नहीं आया, आपको चीजों को समझ रहे हो, इंटीग्रेशन में ये नहीं आया था, ये फॉर्मूला मुझे नहीं आया, वो फॉर्मूला लिखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपने जो यहां पे पेपर जब सॉल्व कर रहे थे उस वक्त आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आए उस कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करना है, कितना, 3 घंटा, फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री 1, मैथमेटिक्स के लिए 1। आप कैसे रिवीजन करोगे, मैंने यहां पे आपको हल्का सा रिवीजन दिया था, लेकिन यहां पे आपको इन डेप्थ करना है। अब यहां पे आपको देखना है कि ये पॉइंट नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं इस पांचों पेपर में आपको 5 दिन करना है सब चीजें, आपको 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचों डीज को आपको ऐसे ही एनालाइज करना है हर रोज आपको, और आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है, चीजों को समझ रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का आपको रिविजन करना है। रिविजन क्या करना है, आपको इस चीज को रिविजन जो आपने पॉइंट निकाले थे, चीजों को समझ रहे हो, तो आपने फर्स्ट पेपर किया ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से, आपने सेकेंड पेपर किया, थर्ड पेपर किया, जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होते रहेंगे, आपके पास पॉइंट्स बनते रहेंगे, अलग अलग पॉइंट्स, और उस चीज को आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग में 1 या 2 घंटा आप उस चीज को रिविजन करना है, चीजों को समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पास्ट पेपर 5 के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, जो बचे हुए हमारे 15 डेज है उसके बारे में क्या करना है, कौन से पेपर सॉल्व करना है, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा उसी पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आपका स्कोर सही तरीके से हो सके। तो बस आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको मैंने यहां बताई है, उस चीज को आपको फॉलो करो। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, पुराने वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं अभी से लेकर जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपके साथ रहेंगे, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपको कॉलेज रिव्यू के अंदर साथ लेकर, या फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करना किस तरह से, तो बस आपको सही तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको क्या करना है, यहां पे चीजें आपको सही तरीके से करना है। तो यहां पे मैंने कंक्लूजन बता देना चाहता हूं कि मैंने किया 10 या 20 डेज, मैंने यहां पे भी है 10 डेज में आपको पहले 3 डेज में आपको पूरा रिवीजन करना है जो भी चीजें यहां लिखी हुई है, उसके बाद आपको 5 डेज में आपको क्विक रिवीजन कहां से करना है, यूट्यूब से कर सकते हो चीजों को। उसके बाद आप क्या करो, बुक को पढ़ सकते हो चीजों को, आपको जो की पॉइंट्स है तो उस चीज को पढ़ो, नोट्स को पढ़ सकते हो, और 5 डेज हल्का फुल्का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको 2 डेज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि आपके फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मॉक पेपर देना सॉल्व करना है, पहले मॉक पेपर दो, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको करना क्या है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।